हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेसिक चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग हैं जो बेकिंग करने से डरते हैं, तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। ये बहुत ही ईजी तरीके से हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स ना मैंने एग्स का इस्तेमाल किया है, ना इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर ओवन का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये बहुत ही ईजी केक है, बहुत ही डिलीशियस केक है, और देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी ये बना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से कोई भी इसको बना के एंजॉय कर सकता है, तो आप ये जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब दही ले ली है, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जो भी मैं इसके अंदर रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट ले रही हूँ सब नाप के ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले लिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 1/2 कप के करीब ही मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने पिसी चीनी भी डाल दी है। इसके बाद ये तीनों चीज़ों को हम विस्क की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये एक साथ बिल्कुल स्मूद हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अच्छे से इसको अच्छे से स्मूद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो केक की रेसिपी है बहुत ही ईजी है। जिन लोगों को बेकिंग से डर लगता है वो तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपका केक बन जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक जाली ले लूँगी, और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप के करीब मैदा। तो मैं नाप से ले रही हूँ 1 कप के करीब मैदा, आप घर में किसी भी एक कटोरी से नाप ले सकते हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल रही हूँ, ये देखिए 1 टेबल स्पून का नाप है। और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। टेबलस्पून और टीस्पून अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 1/4 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। तो इस सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसके अंदर छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, और ये देखिए कचरा, आप कितना भी स्मूथ लेके आए बाज़ार से, थोड़ा बहुत कचरा होता ही है मैदे में। तो इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने मिक्स किया है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंने देखिए 1/4 कप के करीब यहाँ पे दूध ले लिया है रूम टेम्परेचर पे, तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, और इस बैटर को हम हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में मिक्स नहीं करना है। तो देखिए 2 पोर्शन में मैंने दूध भी इसमें डाल दिया, और ये देखिए बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर बन गया है। थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से, ताकि इसके अंदर लम्स मिट जाएँ। ये देखिए बहुत ही स्मूद हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है, और कलर भी बहुत ही अच्छा है, चॉकलेटी कलर। आपको अगर थोड़ा सा कम लग रहा है तो ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये सफिशियंट है अच्छा चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो आइए चलिए पैन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए बेकिंग के लिए गोल राउंड टिन लिया है। आपके घर पर अवेलेबल कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि केक चिपके ना, अच्छे से लगा दीजिए चारों तरफ, और उसके बाद हल्का सा मैदा छिड़क दीजिए और इसकी अच्छे से फैला दीजिए। आप चाहें तो इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा का सारा जो ये केक बैटर है ये इस टिन के अंदर डाल दूँगी। आप एक बात का ध्यान रखिएगा टिन भरते वक्त, कि जो भी आप टिन का साइज़ ले रहे हैं आपका केक बैटर आधे तक ही भरना चाहिए। तो चलिए अभी इसको बेकिंग पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ओवन बनाने के लिए एक मोटे पैंदे की इस तरीके से कढ़ाई ले ली है। ये चौड़ी थोड़ी सी है, डीप है थोड़ी सी, और मोटे पैंदे की है, और इसको मैंने हाई फ्लेम पे अभी चढ़ा दिया है। और इसके अंदर मैं इस तरीके से एक स्टैंड ले लेती हूँ, ये बहुत ही आसानी से सस्ता सा मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। अगर ये नहीं हो तो आप कोई स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं नीचे, और उसके ऊपर इस तरीके से हम ये हमारा केक का टिन रख देंगे, और ऊपर से आप इसको कवर कर दीजिए किसी थाली वगैरह से। और इसको आप फ्रेंड्स हम 5 मिनट हाई फ्लेम पे, और उसके बाद आप धीमी आंच पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक रख दीजिए, बिल्कुल धीमी कर दीजिएगा आंच उसके बाद।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक हो गया है बेक। 15 से 20 मिनट लगे इसको बेक होने में। और ये देखिए, ये हमारा बेक हो गया है। मैंने टेस्ट कर लिया है चाकू डाल के, बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ चाकू निकल रहा है। तो मैं इसको अभी निकाल लेती हूँ और जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे टिन में से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा भी हो गया है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। चारों तरफ थोड़ा सा चाकू फिराऊंगी और इसको उल्टा कर दूंगी प्लेट पे। ये देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है, कितना स्मूथ ये इसका टेक्सचर है। ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी हमारा केक बनके तैयार है। फ्रेंड्स, ये बेसिक केक की रेसिपी है। आप इसके ऊपर कोई भी आइसिंग कर सकते हैं। अगर आपको आइसिंग की रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो भी बताऊँगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी किसी केक को बनने में 10 मिनट लगते हैं, किसी को 15 मिनट लगते हैं, तो आप बीच में चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि हमारे जो बर्तन है वो मोटा होता है किसी का, किसी का पतला होता है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का। फ्रेंड्स, इसके अलावा डिलीशियस केक्स, स्वीट्स और चॉकलेट्स की रेसिपीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक दिया है, ज़रूर से ज़रूर क्लिक करके देखिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सके। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।